Hey everyone, happy 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 Diwali to all of you, and may God shower his bliss on you, and may God give you the biggest slice of happiness on this Diwali. My dear friends, in today's video main baat karne wala hu ek khatarnak cheez ki, khatarnak nahi, main Diwali se related yani Diwali se related aapko kuch words batane wala hu. Jaise ki sabse pehle dekhiye, Diwali ya Diwali dono same hota hai, aur Diwali ko English mein kehte hain फेस्टिवल ऑफ लाइट. क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट. देखिए दीपावली यानी दिवाली में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक दिया होता है, ठीक है. उस दिया का मिट्टी का दिया होता है, और उस मिट्टी के दियो को कहते हैं अर्थेन लैम्प. क्या कहते हैं? अर्थेन लैम्प. अब इसमें ऑयल भरा होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है यानी सरसों का तेल या कोई भी तेल, ठीक है, लगाते हैं लोग, ठीक है. उसमें भर देते हैं दिए में, अर्थन लैंप में, दिए में. फिर उसके बाद ऊपर एक उसमें बाती रहती है, कोई दिया बाती होता है कि नहीं, तो बाती रखते हैं. उस बाती को कहते हैं कॉटन विक. क्या कहते हैं? कॉटन विक. अब देखिए हमारा तैयार हो गया ये दिया, ठीक है. अब इसको जलाते हैं, तो जलाने को इंग्लिश में कहते हैं लाइट अप. क्या कहते हैं? लाइट अप, या लिट का भी प्रयोग किया जाता है. लिट से ही लाइटर बन जाता है, जो लाइटर टिक टिक करके जलाते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? लाइट अप मतलब जलाना. अब देखिए जलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं, और माचिस को इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स. क्या कहते हैं? मैच बॉक्स. क्लियर? अब क्या करते हैं, उसको हम जला देते हैं, ठीक है, दिए को जला देते हैं. अब जलाने के बाद जब क्या होता है, फिर हम लोग पटाखे उठाके फोड़ते हैं. तो पटाखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पटाखे को इंग्लिश में कहते हैं क्रैकर्स, या फिर कह सकते हैं फायर क्रैकर्स, ऐसे करके हम बोल सकते हैं पटाखे को. देखिए फोड़ना का इंग्लिश होता है बस्ट. क्या होता है? बस्ट. तो पटाखे फोड़ना का क्या हो गया? बस्ट द क्रैकर्स, या बस्ट द फायर क्रैकर्स. क्लियर? इसका मतलब ये हो गया. क्लियर? अब पटाखे फोड़ना का ये हो गया. अब देख लीजिए, एक होता है स्पार्क. स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, और स्पार्कर का मतलब होता है फुलझड़ी, ठीक है. और एक होता है फाउंटेन क्रैकर्स. फाउंटेन क्रैकर का मतलब होता है अनार, जैसे कि एक छोटा सा ऐसे होते का होता है और ऊपर से ऐसे छछराक निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है? अनार होता है. क्लियर? देखिए आपके सामने एक और है पी क्रैकर्स. पी क्रैकर्स का मतलब होता है मुर्गा छाप पटाखे. जानते होंगे मुर्गा छापला पटाखा बहुत फेमस है, ठीक है, मिलता है, उसको क्या कहते हैं? पी क्रैकर्स. एक होता है चैन ऑफ फायर क्रैकर्स, या चैन ऑफ क्रैकर्स, या स्ट्रिंग ऑफ क्रैकर्स. इसका मतलब होता है जो पटाखों के गुच्छा टाइप का बना होता है, लच्छा टाइप का, ठीक है, ऐसे पटाखों की चादर टाइप की बनी होती है, जो पड़ फूटता है, ठीक है, चटाई ऐसे होती है ना, खटखट फूटता है, वो क्या कहते हैं? चैन ऑफ फायर क्रैकर्स, ऐसे करके बोलते हैं. सुनना, एक होता है आलू बम. आलू बम वाला भड़ाक से फूटता, बहुत खतरनाक आवाज करता है, ठीक है, रेड टाइप का होता है, उसको कहते हैं बेस बॉम्ब. क्या कहते हैं? बेस बॉम्ब. बेस बॉम्ब नहीं, बेस बॉम्ब कहते हैं. क्लियर? एक सूत वाला होता है जो हरा हरा होता है, लपेटा हुआ, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का, ऐसे चार चार किनारा टाइप होता है, ठीक है, हरा हरा होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्यूट ट्वाइन क्रैकर्स. क्या कहते हैं? ज्यूट ट्वाइन क्रैकर्स कहते हैं. क्लियर? तो ये रहा छोटी छोटी चीजें इंग्लिश. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें जितेंगे स्टेनर को, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. अगर आपको कुछ और छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय भारत. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस.